प्रस्तुतकर्ता धन्वंतरी फार्मास्यूटिकल काशीपुर उत्तराखंड। आज से पवित्र सावन महीने की शुरुआत, कांवड़ियों के लिए विशेष इंतजाम, सीएम योगी के सख्त आदेशों का पालन, हेलीकॉप्टर से भी होगी मार्ग की निगरानी। सीएम योगी के गोरखपुर दौरे का तीसरा दिन आज, शिव मानसरोवर मंदिर में सीएम करेंगे रुद्राभिषेक, मंदिर के सौंदर्यकरण का करेंगे लोकार्पण, कोटेदारों से संवाद का भी कार्यक्रम। जीओपी उत्तराखंड की खबर का बड़ा असर, होम्योपैथिक बोर्ड के संस्थानों में गबन मामले की खबर पर समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण ने लिया संज्ञान, एफआईआर दर्ज करने के दिया आदेश, ईओडब्ल्यूएसआईटी से जांच के लिए गृह विभाग को लिखा पत्र। समाजवादी पार्टी नेता आजम खान की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज, हाईकोर्ट की ओर से दी गई जमानत के वक्त लगाई शर्त को सुप्रीम कोर्ट में दी गई चुनौती। कानपुर हिंसा के पेमेंट प्लान का हुआ खुलासा, फंडिंग कर उपद्रवियों से कराई गई थी हिंसा, पत्थरबाजों को 500 से 1000, पेट्रोल बम फेंकने वालों को दिए 5000 रुपए, कोर्ट में एसआईटी ने दाखिल की है केस आईडी। लखनऊ के लुलू मॉल में नमाज पढ़ने को लेकर हिंदू संगठन ने प्रदर्शन की दी चेतावनी, लुलू मॉल को लव जिहाद का नया अड्डा बताया गया। मेरठ में पूर्व मंत्री और बहुजन समाज पार्टी के नेता याकूब कुरैशी की 100 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति कुर्क, मीट फैक्ट्री सील की गई। बाराबंकी में समाजवादी पार्टी के विधायक सुरेश यादव पर यूपी सरकार की कार्रवाई, विधायक के भाई का 95 लाख का मकान हुआ कुर्क, भतीजे पर लगा गैंगस्टर एक्ट। गुजरात में भारी बारिश ने मचाई तबाही, पिछले 24 घंटे में 14 लोगों की हुई मौत, सौराष्ट्र, डाग, नवसारी, तापी जैसे जिलों में रेड अलर्ट जारी किया गया। महाराष्ट्र के कई जिलों में अगले 24 घंटे में भारी बारिश की संभावना, पालघर, पुणे, नासिक और सतारा में रेड अलर्ट जारी किया गया, ठाणे में बाढ़ के हालात। कर्नाटक में अब तक बाढ़ की वजह से 32 लोगों की गई जान, 34 लोग हुए घायल, बाढ़ में फंसे 300 लोगों को निकाला गया, रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में भी भारी बारिश का कहर, मूसलाधार बारिश के बाद शहर के कई इलाकों में जलभराव जैसे हालात पैदा हो गए, 18 से 22 जुलाई के बीच भारी बारिश का अलर्ट। देहरादून के रायवाला में सैलाब में 2 सगी बहनें बही, एक बच्ची का शव बरामद, जबकि दूसरी बच्ची की तलाश जारी, एसटीएफ कर रही तलाश, हादसे के वक्त दोनों बच्चियां घर के बाहर खेल रही थी। We'll be right back.